ये 4 बजे के आसपास की घटना है जब हमें खबर मिली है कि टीटागढ़ से जब गाड़ी चली है, ये कृष्णा नगर लोकल थी, उसके फिफ्थ कोच में एक बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ था, जो कि जब गाड़ी बैरकपुर रुकी है तो वहां पर पैसेंजर्स ने आके बताया। इंजरीज इसमें करीब 20 लोगों को चोट आई है, जिसमें कि सीरियस इंजरीज हैं 6। जो 5 आदमी थे वो वहीं बैरकपुर के हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, और एक को उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर RG कार ले आए थे, फिर PG ले गए थे। हमारी डॉक्टर्स की टीम वहां पर गई और उन्होंने एग्जामिन किया, तो जो बैरकपुर के इंजर्ड लोग हैं उनको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं BR सिंह के रेलवे हॉस्पिटल में, और यहाँ से PG में भी उस पेशेंट को बेड नहीं मिल रही थी तो उनको भी हमने अभी तुरंत एम्बुलेंस से भेज दिया है, वो भी BR सिंह हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाकी जो है उनकी माइनर इंजरी थी, उनको छोड़ दिया गया है फर्स्ट एड दे के। 6 पीपल आर सीरियसली इंजर्ड हु आर हॉस्पिटलाइज, दे आर बीइंग शिफ्टेड टू द रेलवे हॉस्पिटल। पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें मिली है वो ऐसा लगता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी, आपस में कुछ झगड़ा हुआ है और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब चलाया। एक बॉम्ब चलाने की बात है और वो भी छोटा ही कोई एक्सप्लोजन है, क्योंकि जो ट्रेन है उसमें अंदर कहीं भी कोई डैमेज नहीं है, पर लोगों को चोट लगी है। एक क्रिमिनल का नाम ले रहे हैं लोग, वो आप बेटर होगा कि आप जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उनसे कंफर्म करें। वो बैरकपुर से उसको हम वापस ले जा रहे हैं, हमारा नारकलडंगा कार शेड में उसको रखेंगे, क्योंकि वहां पे उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना है। तो वो ट्रेन विल बी स्टेबल्ड इन द यार्ड एंड पुलिस विल सेंड इट्स एक्सपर्ट फॉर फर्दर एनालिसिस। सिर्फ 2 ट्रेन कैंसिल हुई थी बैरकपुर के लिए, बाकी सारी गाड़ियां अब नॉर्मल हो रही है।